डिग्री। और डिग्री मेजर देखेंगे एंड रेडियल मेजर। सो डिग्री मेजर जो है उसे हमें पता है इस तरह से डोनेट करते हैं, और रेडियन में हम इसे सी से डोनेट करते हैं। तो अब हमें पता है कि जो नॉर्मल कन्वेंशन है जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ डिग्री एंड दिस इज़ रेडियन। सो अब मैं डिग्री और रेडियन में रिलेशन बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जो ये रेडियन मेजर है तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है। और ये सी हम हर बार लिखते नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर हम पाई लिख रहे हैं तो वो रेडियन मेजर में है। तो 1 डिग्री, 1 इंटू अगर हम इसको करेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। सिमिलरली अगर हम 1 रेडियन निकालेंगे तो 180 बाई पाई डिग्री। सो ये था डिग्री और रेडियन। और अब मैं इन दोनों में रिलेशन बताऊंगा कि हम कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो डिग्री मेजर है विच इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। और जो रेडियन मेजर विच इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। सो ये दो फॉर्मूले हैं। इस पे मैं एक्सरसाइज 3.1 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एग्जांपल 1, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। ये से हमें कन्वर्ट करना है। तो ये जो ये साइन जो है ये मिनट का है, तो ये जो हम लोग जो कन्वेंशन यूज़ करते हैं उसमें 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। ये कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो जो ये 20 मिनट है इसको पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। सो 20 मिनट इज इक्वल टू 20/60 विच इज इक्वल टू 1/3 डिग्री। तो ये हो जाएगा 40 + 1/3 डिग्री। इसको अब हमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, विच इज़ इक्वल टू 120 + 1/3 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 121/3 डिग्री। हाँ, तो अब हम इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें जैसे फॉर्मूला पता है रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। तो विच इज इक्वल टू पाई बाई 180, और डिग्री मेजर हमें पता है 121/3 डिग्री। सो विच इज इक्वल टू 121 π/540 रेडियन। सो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया।
विच इज़ फ्रॉम डिग्री मेजर टू रेडियन मेजर। तो अब मैं अगला एग्जांपल दूंगा जो कि रेडियन टू डिग्री होगा। वीडियो में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक टॉपिक पे दो तीन एग्जांपल करा पाएँ, सो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं उनसे हो जाएंगे। सो अगला एग्जांपल टू विच इज़ वी हैव टू कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। सो 6 रेडियन को पहले हम क्या कहते हैं, हमें पता है फॉर्मूला विच इज इक्वल टू व्हाट डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 by pi into radian measure. And we have to use pi ki value 22/7. So हमें पास radian दिया है 6 radian is equal to 180 by pi into 6 is equal to 180 by 22 into 6 into 7 which is equal to 90. So 90 into 42 by 11 into 18. By 11 radian. इसको हम फर्दर ऑल सॉल्व करेंगे तो 3780 बाई 11 इसको हम करेंगे तो इसको रफ में डिवाइड कर लेते हैं 3 4 3 इसको डिवाइड कर ही लेते हैं 7/11 विच इज इक्वल 343 डिग्री ऑन 7/11 डिग्री। सो ये अभी होल डिग्री है तो अब हमें 7/11 को विच इज इक्वल टू 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 343 डिग्री प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 420 by 11 मिनट 343 डिग्री प्लस 38 डिग्री प्लस 2/11 इंटू 60 करेंगे तो ये सेकेंड में चला जाएगा तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 120/11 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 120/11 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 11 सेकेंड्स। सो जो हमारा आंसर आया है वो आया है 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड्स अप्रॉक्स। जो रेडियन मेजर है उसका आंसर हमारे पास ये है। सो एक एग्जांपल हो गया, ये रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर हो गया। सो बाकी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाइएगा, हो जाएंगे इससे बेसिक है ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।